मानता ही है पिंडदान, गया में पिंडदान का महात्मा है, काशी में पंचकोश करने का फल है, प्रयाग में मुंडन करने का फल है, और गया में पिंडदान और दंड देने का फल है। इस सतयुग का विषय है। जिस समय में ब्रह्मा जी ने आए थे तो जग किया, जग करने के बाद में सब तीर्थों को आवाहन किया, फल्गु नदी को विष्णु भगवान को और शबद को, सबको आवाहन किया। अब पिंडदान जैसे जग किया, जग करने के बाद में सब तीर्थ पर सबको को रख दिया, सब तीर्थ को, जैसे गौ प्रचार हुआ, 1,25,000 गौदान किए थे ब्रह्मा जी। इस समय जग किए, जग करके सब मृत्यु लोक में लाया गया। सतयुग का विषय है। इनका शाखा गया प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज, पुरी, लंका और अक्षयवट गया। सतयुग का है। जिस समय में ब्रह्मा जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी समय में वृक्ष और मदिरा को उत्पन्न किया। मदिरा जैसा आया उसी समय में कल्प वृक्ष को लगाया गया। मैं रायपुर से, समर जी, हाँ, हम पहली बार आए। गया विचरण नहीं किया, किसी कार्य से आया हूँ और उसी कार्य में लगा हूँ। हमारे खुद के विधि विधान के बारे में जो नहीं मालूम था वो आज पहली बार देख रहा हूँ। नहीं, बाकी जहाँ जहाँ पे जो पंडित जी गए वहाँ पे गए। देखिए, आजकल की जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसमें इसकी कभी जानकारी नहीं होती है, तो मेरी जानकारी भी 2-3 दिन पहले की है। लेकिन ठीक है, अगर मान्यता है, इतने सारे लोग मानते हैं तो कुछ होगा मानने का, और हम भी मानते हैं। जो कार्रवाई के लिए आए हैं, पूजा के लिए आए हैं, वो तो हो गया, लेकिन गया में बाकी सब, आप बनारस देखें, ऋषिकेश देखें, हरिद्वार देखें और अन्य महत्वपूर्ण सिटी देखें, ये अपना महाकाल लोक देखें, उज्जैन देखें, उसके समान न तो सफाई है, न सपोर्ट है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हमारा नाम श्री अरुण लाल दुहलिया, दुहलिया टाइटल है, नाम है अरुण लाल दुहलिया। ये सतयुग से अभी तक हम लोग के उम्र जो भी हो रहा है ऐसे देखते आ रहे हैं, ये सतयुग से ऐसा ही है। ये सतयुग द्वापर त्रेता, ये कली काल चार युग हो गया। चार युग में ये द्वापर में राजा धर्मराज आकर श्राद्ध किए। उस समय मनुष्य नहीं था, देवताओं लोग का पास था, देवताओं लोग था, जो भी थे वो ये लोग थे। इसके बाद त्रेता आया। त्रेता में माँ जानकी, रामचंद्र जी ये आके यहाँ श्राद्ध किए। उस समय गौ, ब्राह्मण, तुलसी नदी, ये पांच, और ये वट वृक्ष, ये पांच साक्षी थे। उसमें चार अपने अपने लोभ में झूठ बोल दिए, ये सत्य बोले। इनको सीता माई ने बोला त्रेता में साक्षी रहोगे, अमर रहोगे, अक्षय वट, अक्षय रहोगे। ये अक्षय आज तक है। लोग आज मनुष्य लोग यहाँ त्रेता काल से पिंड पार रहे हैं। अब ये कली काल है। अब इसके बाद जो युग आएगी, अब इसमें ये यात्री लोग रहेंगे, पंडा लोग रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या सृष्टि भगवान रचना रचेंगे, ये अभी क्या नहीं किया जा सकता। फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए। कैसा लगा यहाँ पे, आगे कैसा लगा, ये यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है, कैसा लगा? पहली बार आए हैं, पहली बार देखा है कि इतनी भीड़ होती है और श्रद्धा है सबकी। श्रद्धालुओं को देख के बाकी सब नजर नहीं आता है, लेकिन थोड़ी ऐसी अपेक्षा रहती है कि और साफ सफाई हो, कुंड साफ हो तो बहुत अच्छा लगे। पिंडदान करने आप आए, ये मतलब समझ में नहीं हुआ, इतने दूर से जो आप आ रहे हैं,
बिल्कुल अपने पूर्वजों के प्रति आस्था है, पिंडदान करने की इच्छा है, तो फिर कहीं से भी आएंगे, साउथ से भी आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो रायपुर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो आता है, पैदल भी आते हैं, गाड़ी से आते हैं, बस में आते हैं, ट्रेन में आते हैं, तो ये श्रद्धा है सबसे बड़ी यहाँ पे मेन जो बात है वो सबकी श्रद्धा है।